केहूनी गर्दन अंडर आर्म हाथ पैर जहाँ पे टैनिंग जम जाती है टैनिंग एक ऐसी समस्या होती है जो आपका चेहरा का कलर जो होता है ना स्किन का कलर होता है वैसा नहीं होता है वहाँ पे जमे हुए मैल होती है अगर आप उसको ध्यान नहीं देते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है तो टैनिंग को हटा सकते हैं किसी भी कलर के लो, लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन अक्सर लोग जब मैं वीडियो बनाती हूँ ये कहते हैं कि आपका रंग तो खुद ही काला है आप क्यों ऐसे वीडियो बनाते हो तो दोस्तों रंग का कलर जो हमारे स्किन का कलर है वो हमेशा वैसा ही रहेगा लेकिन जो आपकी टैनिंग समझाइन समस्या है जो कालापन है एक्ने है ये सभी समस्या हमारे स्किन में अलग से होती है ध्यान नहीं देने की वजह से या फिर गर्मी पसीने की वजह से तो उस समस्या के लिए आज का ये रिमेडी है ट्राई करिएगा बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा अगर आपको टैनिंग की समस्या है गर्दन काली है हाथ पैर कहने और उसके साथ अंडर आर्म के समय में कालापन है तो ये रिमेडी ट्राई करके देखिए बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है आपको आधा टमाटर को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है उसके साथ एक चम्मच मैंने यहाँ चावल ऐड किया है साथ में ऐड कर दीजिए ग्लिस सॉरी शहद शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है स्किन के कलर के लिए भी मतलब अच्छा होता है और साथ में जहाँ पे भी आपको टैनिंग की समस्या है एक्ने पिगमेंटेशन है वो सभी समस्याओं के लिए बेस्ट होता है तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना पसंदीदा शैम्पू ऐड कर दीजिए और शैम्पू डालने के बाद आप यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए बेकिंग सोडा नहीं है तो इसकी जगह आप इनो भी ऐड कर सकते हैं ये सभी चीज़ें हमारे स्किन के कालापन को दूर करने में बहुत ही हेल्प करता है जमी हुई गंदगी जमी हुई मैल के लिए काफ़ी अब वरदान होता है बेकिंग सोडा अगर आपने उसमें नींबू ऐड कर दिया तो और भी सोने पर सुहागा आपकी गंदगी मैल को ये मिनटों में दूर करता है रियली में औसम रिजल्ट देता है अगर विश्वास ना हो तो ट्राई करके देखिएगा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर गर्दन काली है किहनी काली है वहाँ पे भी अप्लाई करिए अंडर आर्म काली है वहाँ पे लगाइए हाथ पैर अगर आपके बहुत ही ज़्यादा काले काले दिखते हैं काले कहने का मतलब अगर टैनिंग अगर आपका नेचुरल कलर काला है तो उसको आप इससे गोरे नहीं कर सकते हैं हाथ थोड़ा ब्राइट होगा लेकिन जो है ना गंदगी ये बहुत ही आसानी से दूर होता है इसको लगा दीजिए लगा करके आपको यहाँ पे क्या करना है ना थोड़ा सा स्क्रब करना है स्क्रब करके पाँच से सात मिनट तक छोड़ देना है छो, पाँच से सात मिनट में ये अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है जो गंदगी है टैनिंग है उसको वहाँ से एकदम से धीरे धीरे फुलाना शुरू करता है और उसके बाद आपको नींबू का वापस से छिलका लेना है थोड़ा गीला कर दीजिए उसको अच्छे से स्क्रब कर दीजिए रिजल्ट दोस्तों देकर के आपको बहुत ही अच्छा फील होगा वापस से इसको रगड़ के पोस्ट दीजिए गीले कपड़े से या फिर इस तरीके से वाइप कर दीजिए आपको रिज़ल्ट दिखेगा बहुत ही अच्छा मतलब गंदगी तो हटेगी ही घटेगी अगल बगल का स्किन भी साफ दिखता है एक बार ये ट्राई करके देखिएगा बेहतरीन रेमेडी है इस रेमेडी को आप चाहें तो वीक में दो बार कर सकते हैं या फिर एक सप्ताह में एक बार करके देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है ट्राई ज़रूर करिएगा रेमेडी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग